सो फाइनली गाइस, हम सभी के इतने इंतजार के बाद फाइनली मिर्जापुर सीजन 3 का ट्रेलर यहाँ पर रिलीज हो चुका है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग करेंगे मिर्जापुर सीजन 3 का ट्रेलर रिव्यू। तो बस आज की इस वीडियो को पूरा एंड तक देखते रहना। देखो, पहले ही बता दूँ, अब भौकाल मचने वाला है। सच्ची अब भौकाल मचने वाला है भाई। देखो, वीडियो में मैं आपको पहले से बोल देता हूँ, रिक्वेस्ट कर देता हूँ छोटी सी, अगर वीडियो एंड में अच्छी लगती है तो यार प्लीज़ लाइक कर देना। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, ठीक है, बेल आइकन भी दबा देना, ठीक है, अच्छी लगी वीडियो तो। और साथ ही में कमेंट सेक्शन में स्पैम करो कि आपको मिर्जापुर का कौन सा कैरेक्टर पसंद है, गुड्डू पंडित या फिर अपने कालीन भैया या फिर अपने मुन्ना भैया। भले ही मुन्ना भैया रिप हो चुके हैं, लेकिन तब भी आई नो उनके बहुत फैंस है, ठीक है। तो स्पैम करके बताना आपका कौन फेवरेट है। टिल देन, बिना टाइम के आज की अमेजिंग सी ट्रेलर रिव्यू वीडियो को हम लोग यहाँ पर करते स्टार्ट। लेट्स स्टार्ट टू दिस वीडियो, लेट्स स्टार्ट इट। तो जैसा कि आप सभी ने देखा कि ट्रेलर शुरू होता है, ट्रेलर एंड होता है अपने कालीन भैया के डायलॉग के ऊपर, जो कि मिर्जापुर की गद्दी को लेकर रहता है। जी हाँ, मिर्जापुर की गद्दी को लेकर रहता है कि कौन यहाँ पर राज करेगा, इस टाइप से वो एक डायलॉग रहता है, ठीक है। अगर बात की जाए कि ओवरऑल ट्रेलर कैसा लगा, कैसा ट्रेलर है, तो मैं यही बोलना चाहूँगा, ट्रेलर फाड़ू है बॉस। ट्रेलर सच्ची में फाड़ू है, एक नंबर ट्रेलर यहाँ पर देखने को मिलता है। जैसे कि हम सभी ने एक्सपेक्ट किया था कि मिर्जापुर के जो ट्रेलर आएगा सीजन 3 का, उसमें हर एक कैरेक्टर को थोड़ा अच्छे से सुनाया जाएगा, दिखाया जाएगा, तो वैसा ही हमें देखने को यहाँ पर मिलता है। अपने गुड्डू पंडित को यहाँ पर अच्छे से दिखाया गया, उनका डायलॉग है उनको दिखाया गया है, ठीक है। अपने कालीन भैया को भी एंड में दिखाया गया, शो किया गया, कालीन भैया भी देखने को मिले। हर एक कैरेक्टर की अगर बात की जाए, जो अपने मुन्ना भैया की वाइफ है उनको दिखाया गया है यहाँ पर, अपने अखंडानंद त्रिपाठी की जो वाइफ थी उनको भी दिखाया गया यहाँ पर। अपने बड़े त्यागी छोटे त्यागी वाला जो ट्विस्ट था, अगर बात की जाए, देखो तो मैंने ऑब्जर्व किया, ये चीज़ मैं आपको पहले बताना चाहूँगा, ट्रेलर मैंने ये ऑब्जर्व किया। जैसे कि आपको याद होगा सीजन 2 में बड़े त्यागी और छोटे त्यागी थे, ठीक है, तो उनमें से किसी एक की डेथ हुई, बट उन दोनों ट्विंस है तो हमें उनको समझ नहीं आता कि ये बड़ा है या छोटा है, ठीक है। और वो चीज़ थोड़ा ऐसे छोड़ दी गई थी कि भाई कौन मरा है क्या मरा, ठीक है। बट हाँ, इतना मैं बोल सकता हूँ कि ट्रेलर को देखने के बाद ना मुझे ये चीज़ लग गई है, मुझे ये चीज़ समझ आ गई कि वो कैरेक्टर नन अदर देन छोटे त्यागी। जी हाँ, वो छोटे त्यागी, उनकी जैसे आप बोलचाल देख रहे हो ट्रेलर में, जैसे वो दिख रहे, जैसे वो शो रहे, वो कैरेक्टर वो अपने छोटे त्यागी ही हैं, इट मीन समझ लो भाई। क्योंकि वो सीजन 2 में एक तरह से थोड़ा गुड्डू पंडित के तरफ थे ना थोड़े, तो अब देखने को ये इंटरेस्टिंग होगा कि आगे क्या कुछ यहाँ पर स्टोरी देखने को मिलेगी उनकी तरफ से भी। बाकी हर एक कैरेक्टर को, रतिशंकर शुक्ला के जो बेटे थे, मुझे उनका नाम याद नहीं आ रहा, ठीक है, वो भी यहाँ पर एक तरह से दिखाया कि वो अपने जो अपने कालीन भैया उनकी तरफ है, बट उन्हें भी एक डीएम चाहिए गद्दी। हर किसी को पर गद्दी ही चाहिए भैया मिर्जापुर की, ठीक है। बाकी ये भी चीज़ दिखाई जाती है कि अभी फिलहाल मिर्जापुर पे राज चल रहा अपने गुड्डू पंडित का। और ये पंडित क्यों जा रहा है मेरे मुंह से, क्यों हो रहा है, जल्दी बोल, पंडित हाँ, गुड्डू पंडित, ठीक है, गुड्डू पंडित को यहाँ पर दिखाया कि उनके साथ यहाँ पर अपने अखंडानंद त्रिपाठी की वाइफ भी है। जी हाँ, वाइफ भी देखने को मिली है, थोड़े बहुत उस टाइप के भी सीन देखने को मिले। बाकी अगर बात की जाए तो ट्रेलर ओवरऑल बहुत ही अच्छा लग रहा है, एंड यस, ट्रेलर लुक्स प्रॉमिसिंग। अपन उम्मीद लगा सकते हैं मिर्जापुर सीजन 3 की, हर किसी को लगी, मेरे को बहुत ज़्यादा, एंड यप, द हाइप फॉर मिर्जापुर सीजन 3 इज टोटली रियल, एंड इट्स भैया मैं तो सच्ची बहुत जोरों का वेट कर रहा हूँ। सीजन 3 आ रहा है यहाँ पर 5 जुलाई 2024 को अमेजोन प्राइम वीडियो के OTT प्लेटफॉर्म पर स्ट्रीम होने जा रहा है। मैं तो बहुत वेट कर रहा हूँ, बाकी आप बताइए कमेंट सेक्शन में कि आप कितना वेट करें। ट्रेलर में थोड़े उस टाइप के भी सीन देखने को मिलते हैं, अगर आपने ध्यान से थोड़ा स्लो करके देखा हो, नहीं नहीं मैंने स्लो नहीं किया, बट वो चीज़ जल्दबाजी में चलती है ना तो दिख जाता है, ठीक है, तो मैंने ऑब्जर्व किया, ठीक है। बाकी अगर बात की जाए, ओवरऑल ट्रेलर बहुत अच्छा है, ट्रेलर फाड़ू है, हर एक चीज़ को यहाँ पर ध्यान दिया गया, चाहे वो डायलॉग्स हो, चाहे वो एक्टर्स की एक्टिंग हो, या फिर वो BGM हो, हर एक चीज़ को अच्छे से दिखाया। बाकी हाइप एंड अप जो क्रेज़ है सीजन 3 के लिए वो जोरदार है। सीजन 1 आया था 2018 में, सीजन 2 आया 2020 में, सीजन 3 यहाँ पर लगभग 3.5 से 4 साल बाद आ रहा है 2024 में। That's why मैं तो बहुत एक्साइटेड हुआ कि आप बताओ कमेंट सेक्शन में आप कितने एक्साइटेड हो सीजन 3 को लेके, अपने फेवरेट कैरेक्टर का नाम हर कुछ कमेंट में बताएं, ठीक है। टिल देन, वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन दबा देना। टिल देन चलते हैं भैया, मैं जा रहा हूँ, बाय बाय।